Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahim. Assalamu alaikum. Bachcho, bado, choto, sabko meri taraf se salam. Main dusri video leke aa rahi hu. Ye video main ye Suhanjna maine isko Suhanjna ko maine dhokar sukhaya hua hai. Suka kar main isko grind kiya hua hai. ये ग्रैंड किया हुआ है सुहाने को और मैं ये बता रही हूँ कि बच्चियाँ जो ना आजकल उनको स्मार्ट होने का बड़ा शौक चला हुआ है कि भी स्मार्ट हों और ये इसको पीने से स्मार्ट भी होंगी और उनकी ताकत में भी कमी नहीं आएगी, ताकत भी उनकी पूरी रहेगी और स्मार्ट भी हो जाएंगी और इस सुहाने से उनका पीने से बहुत ज़्यादा होगा उनके ये जो जिसम उनका फूल है बढ़ रहा है जो ऐसे ज़्यादा बढ़ रहा है ज़्यादा वो हो रहा है बहुत फायदा होगा। आपने सुखाना ये लेकर सुखाना है इसको सुखा कर फिर इसको ग्रैंड कर लेना है। ग्रैंड करके शीशी भी बंद कर ले, बंद करके आपने इसको ये देखो मैं आपको बताती हूँ इस तरह ये हो जाएगा, इस तरह पीसा हुआ इस तरह जब हो जाएगा तो आपने इसे करना है कि ये आप ये एक चम्मच ऐसे फट सकती हैं तो ठीक है, जो आप नहीं भाग सकती इस तरह नहीं खा सकती तो आप ही इस तरह करें कि इसका एक चम्मच लेकर गर्म पानी डालें ग्लास में, गर्म पानी ग्लास में डालें और फिर ये इसमें मिक्स कर दें गर्म पानी को जो मिक्स कर दें इस तरह करके और थोड़ी देर उसको ढाक कर रखें ताकि कलर लग ये निकल आए। इस तरह भी कर सकते हैं, तेज़ गर्म पानी हो जिसमें आपने ये डालना है ऐसा भी कर सकते हैं, आप उबाला भी जला सकते हैं या पानी गर्म कर रखे या किसी बर्तन में तो जब उबल जाए तो इसको डालकर आप दम पे रख, ठीक है। आपने इसको अब ज़रा गर्मी है अब आपने ऐसे करना है इसके पीने से पहले आपने सादा पानी का एक गिलास पीना है सुबह के टाइम में, सादा गिलास पानी का पीना है। उसके बाद ये नीम गर्म पानी इसका जो बना हुआ होगा ना बाल के या ऐसे या आप ऐसे मुँह में डाल के खा सकते हैं तो खा जाएं और वो ज़्यादा अच्छा है। कितने दिन पीना है तो ये आपने एक माह करना है पूरा, एक माह करना है। आपने जब शुरू करना है तो अपना वजन जो है ना वो आपने नोट कर लेना, ठीक है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद आप महीने बाद देखें कि आपको शुरू कर दिया है सही है और आपको ज़्यादा इसका जायका ना अच्छा लगे तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा सुहाना पुराना कोड़ वाला है ना जरा उसमें जैके में पुराना पुराना है तो उसमें आप नींबू भी डाल सकती हैं, एक ना डालने से कोई बात नहीं, डाल लें तो शहद कुछ ना चीनी ना शहद कोई चीज़ नहीं डालनी आपने, बस सिर्फ आपको ज़्यादातर नींबू डालनी है। नींबू भी आधे नींबू का रस डालना है आपने, डाल के आप पी लेना है। दिन में कितनी दफ़ा पीना है आपने पी लेना है तो फिर उसके बाद आपने अपना थोड़ी देर के बाद अपना करें वाक भी बहुत ज़रूरी है, एक घंटे की वाक भी करनी है आपने इसको पीने के बाद क्योंकि सुबह पीना है ना, आपने वाक भी करनी है। वाक भी अच्छी होती है, वाक करें तो बंदा सेहतमंद रहता। आप इसको पहले तो आप इसको एक हफ्ता पी के अपना वजन करा लें तब फौरन पता चल जाए। दूसरा इससे सुहाने का ये फायदा है कि जो लोग बूढ़े लोग होते हैं बड़ी उम्र के होते हैं और उनके पाँव पर सोच चढ़ जाती है, उनके घुटनों पर सोच चढ़ जाती है, टांगों पर सोच चढ़ जाती है, वो पैर सूज जाते हैं, सूज कर उनके शूज़ भी नहीं पहन सकते, वो तंग होते हैं। मेरा आजमाया हुआ है, मैंने खुद अपने पे आजमाया है और अल्लाह का शुक्र है मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है और मैं हमेशा पाँव इतने भारी भारी पाँव मेरे रहते थे, अब मेरे पाँव देखो बिल्कुल स्मार्ट मेरे पाँव हैं और एक ज़रा सा भी सर्दी गर्मियों में मुझे ज़रा सी भी सोच नहीं हुई। मैं सिर्फ एक टाइम पीती हूँ शाम सुबह के टाइम और जब सर्दियाँ थी तो मैं तीन टाइम भी पी लेती थी और सर्दियों में तो आप दो टाइम भी पी सकते हैं तीन टाइम भी पी सकते हैं। इससे इन पत्तों का आप ये भी कर सकते हैं, इनका सालन भी पका सकते हैं, इनको उबाल कर इनको सारे ये सारे इकट्ठे करके उबाल कर तो इसका सालन भी बना सकते हैं। उबाल कर इसको आप ग्रैंड कर लें और लहसुन का इसको चलका लगा कर और ये जो बड़े औरतों की जो सोच जिनको सोच है सब उनके लिए बता रही हूँ सालन
तो ये बनाकर आप रख सकती हैं। अब एक दफ़ा बना के रख लें, जब कोई खाना खाना खाने लगे तो दो चम्मच ले लें, उसके साथ खा लें। ज़्यादा आपको कुछ करने वाला नहीं है, कुछ आप प्रॉब्लम है तो आप इतना सारा सामान लेके उसको आप उबाल कर उसको आप पका कर लहसुन का तड़का भी लगाना है, प्याज वगैरह नहीं डालना, सिर्फ आपने लहसुन का तड़का घी लगाना थोड़ा सा, जैसे आपको नमक मिर्चा मीठे अच्छी लगे, और तीन चम्मच आपने उसमें दही के डाल दें, जब आप उसको भून के रखने लगेंगे। ये आप बना के रख लें एक हफ्ते के लिए, और एक हफ्ते के लिए आप बनाने आपने उसका चम्मच उसमें रखना है, और जो दूसरा चम्मच आप निकाल के रखना है, क्योंकि गीला चम्मच उसमें डालना नहीं डाल, दूसरा चम्मच जो गीला चम्मच। तो आपने ये खा के देख लेना, फिर मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, और इसका इसके बारे में हमें बताएं और हमारा साथ दें, और मैंने तो आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ बताई है, और अपने ऊपर अच्छा मैंने इसको खुद आजमा कर, और स्मार्टनेस का अपनी बेटी के ऊपर आजमा कर, और सोच का अपने पर आजमा कर, और मैंने ये आपको बताया है, और आजमा कर आप करके देख लें, फिर उसके बाद मुझे आप मेरे से पूछें, मैं कोई सवाल करना चाहें, सवाल कर सकते हैं, सवाल करना चाहें, मेरे से पूछना चाहें सुहांजने के बहुत फायदे हैं। सुहांजने की जो फलियाँ होती है ना, अभी नहीं होंगी सर्दियों में होंगी, उसकी फलियों का जो अचार है ना, वो हम डाल कर घर में रख लेना, तो इतना हाजमे का होता है कि हर खाने के साथ थोड़ी निकाला और खा लिया। ये सुहांजना तो अल्लाह मियाँ ने पता नहीं क्या चीज़ पैदा की है, उसमें तो अल्लाह की बरकत ही बरकत है, अल्लाह ताला का रहम ही रहम है। मगर ये है कि इसकी इसके सुहांजने की ये डंडियाँ, सुहांजने के पत्ते, सुहांजना जब लगेगा सर्दियों में, इसकी फूल, इसके पत्ते, इसकी वो भी होती हैं रोटियाँ भी होती हैं, पकाते करते हैं, और इसकी वो भी होती हैं क्या उसका फल भी होता है, इसका हर चीज़ की बड़ी फायदे है। अब मैं आपको दो फायदे बताए हैं, आप उस पर अमल करें और मुझे बताएं, और कुछ पूछना चाहें तो मुझे। आपने सुहांजने के पत्ते लेने हैं, सुहांजने के, उसके अलावा कोई और पत्ते नहीं लेने, ये सुहांजना साबत है और ये सुहांजना किस्सा हो, सुहांजने के पत्ते लेने आपको मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ, ये स्मार्टनेस के लिए आपने पीना है, गर्म तेल गिलास में एक चम्मच डालकर आपने उसको पीना है, इसको आपने छानना नहीं है, आपने इसी के साथ पीना है, हाँ इसके साथ ही पीना आपने, मैं तो पीना आ जाते ना, क्या मैं आपको बता रही है, तो आपने पीना था ऐसे ही, तो मैंने कहा चल बात होते हैं कि इसमें आप ऐसे मुँह में डाल लें तो ठीक है, नहीं डाल सकते तो फिर पानी में डाल, और जो सोच जो ओके ठीक है, हाँ सोच वाले जो लोग हैं वो अपने इस्तेमाल करें उसमें, तो अब जो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, ओके सी यू, आप जो और ज़्यादा क्वेश्चन की ज़रूरत हो या कोई मालूमात हासिल करनी हो तो आप हमारे मेरे चैनल सब्सक्राइब करें सैयदा आर्ट एंड इंफॉर्मेशन, और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रमोट करें, शुक्रिया।